मध्य प्रदेश शासन की ओर से लगने वाली जन सुनवाई कोणार्क आल के बाद आज से शुरू हुई, जहां पीड़ितों ने अपने आवेदन कलेक्टर के समक्ष रखे। प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई आज से शुरू हुई, जहां कई लोग अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर साहब के पास पहुंचे। कई लोगों की समस्या का निराकरण कलेक्टर साहब ने हाथों हाथ किया। कई समस्याओं को दूसरे विभाग में पहुंचाया गया। कोरोना के चलते हुए जन सुनवाई निरस्त हो गई थी। लंबे समय से इंतजार करने के बाद वापस से जन सुनवाई शुरू हुई, जहां उज्जैन कलेक्टर के सामने पीड़ितों ने अपनी मांग रखी और अपनी पीड़ा को बताया। वहीं कलेक्टर ने समस्या का निराकरण किया। अच्छा, सुखद हो गए। मैंने मकान बेच के उनको पैसा भी दे दिया। एक ने दो सोने की चेन छीन ली मेरी, और मकान मैंने मकान वाले से मकान बेचा, वो मकान का सामान नहीं निकालने दे रहे। 21 सिसोदिया। कितने लोगों से पैसा लिया था आपने? 4 लोगों से। एक एक 1.5 लाख रुपये था, तो मकान बेच के दे दिए मैंने। अब ये सामान भी नहीं निकालने दे रहा मकान के अंदर से मेरा। दे दिए सबको, चेक लेना श्री मान जी, चेक कोई नहीं दे रहा। बोलो और पैसे दो हमको, और दो जिसने दो चेन छीनी वो बोले वो तो ब्याज में गई दोनों चेने। फ्रूट का ढेला लगाता हूँ बाकी जगह सामने।